सजा लाइसेंसी चल रहे हैं, क्या कारण है, क्यों बार बार हमें अटैक कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, इसलिए उठ खड़ा होना है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ, आज ब्रज पूरे संकट में है। आज जो जहर आ रहा है वृंदावन गोकुल में, वो जहर जमीन के पताल के माध्यम से 50 किलोमीटर उधर और 50 किलोमीटर उधर दोनों तरफ फैल गया है। हैंडपंप और कुओं के माध्यम से ब्रजवासियों को पेट में जा रहा है और नाना प्रकार के बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। करोड़ों जीव मर गए, कछुआ मछली किनारे रहने वाले जंगली जानवर मर गए। अब नंबर आ गया है संपूर्ण ब्रजवासियों, जिसको भगवान का स्वरूप कहा गया है। देश दुनिया के जहाँ परिक्रमा करती है, जिनका दर्शन करती है, हमारे आपके विमुख होने से, हमारे आपके चुप रहने से आज ब्रजवासी भी संकट में है। ब्रजवासी संकट में है तो देश संकट में है। जमुना की लड़ाई से ब्रज की नहीं, ये हिंदुस्तान की अस्मिता की अस्तित्व की लड़ाई है, आज़ादी से वही लड़ाई है। जीवन संकट में है, इसलिए मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आज इतनी संख्या में जो राजकोट में आप लोग इकट्ठे हैं, गुजरात से ताकत मिली है और गुजरात से ताकत मिलती रही है। देश आपका है, देश सबका है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है, हम सब दल के लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं। 1 मार्च को हम लोग कांग्रेस के लीडर को, भाजपा के लीडर को, आरजेडी के लीडर को, सपा के लीडर को, तेलुगु देशम के लीडर को, इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर को, राष्ट्रीय लोकदल के लीडर को, असम गण परिषद के लीडर को, गर्म कन्ना द्रमुक के लीडर को, इस देश में जितनी पार्टियां हैं हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। एक तुम आओ और शांति ढंग से हम जो करें सुन लो, हाँ गलत करें मत मानो, लेकिन हमारी बात सुन लो। क्या हम गलत, क्या संविधान का पालन हो रहा है? हम तो देश की संविधान बचाने जा रहे हैं, जो हमारे महापुरुष लिख गए थे।